हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही यहाँ मैंने वो एग्जांपल लिया है जो आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होता है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आप लोगों को बच्चों एग्ज़ाम में आउटलाइन गिवेन होगी, तो एग्ज़ाम में दी गई आउटलाइन को आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ गिवेन है, अ मर्चेंट रिटर्निंग होम फ्रॉम अ फेयर, डैश दे रखा है। आप लोग स्टोरी राइटिंग को लिखना कंटिन्यू करेंगे इन पॉइंट्स को लेते हुए। सभी बच्चे आउटलाइंस को बहुत ध्यान से समझेंगे। गुड आउट ऑफ एविल बोला गया है बच्चों, बुराई से अच्छाई। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छाई। एविल का मतलब क्या होता है बच्चों? बुराई। अ मर्चेंट रिटर्निंग होम फ्रॉम अ फेयर, डैश यहाँ बोला गया है कि एक व्यापारी मेले से घर लौट रहा था। पासिस थ्रू अ जंगल, जो एक जंगल से होके गुजरता था, डैश दे रखा है। स्टोरी लिखनी कंटिन्यू करनी है। ओवरटेकन बाय रेन, डैश कंप्लेन, वो बारिश से गिर जाता है और वो मौसम के खिलाफ शिकायत करता है। अबाउट अगेंस्ट बैड वेदर, अटैक बाय रोबर, पाउडर वेट, गन डज नॉट गो ऑफ, यहाँ बोला गया है व्यापारी की जान बच जाती है। इसके अलावा बोला गया है कि गीली बंदूक से हमला नहीं होता है, तो इस तरह मर्चेंट की लाइफ जो है वो बच जाती है। अब सभी बच्चे स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनेंगे। वंस अ मर्चेंट वेंट टू अ फेयर, एक दिन व्यापारी मेले से, यहाँ बोला गया है बच्चों एक बार व्यापारी मेले में गया। ही सॉल्ट, यहाँ बोला गया है बच्चों उसने अपना माल बेचा और खूब कमाया। शाम को वो वापस घर जाने के लिए तैयार हुआ। द स्काई वॉज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, लेकिन उसने देखा कि आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ है। नाइट वॉज फीलिंग फास्ट, रात तेजी से ढल रही थी। हिज विलेज वॉज फार अवे, उसका गांव थोड़ी ही दूर रह गया था। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऑन द वे देयर वॉज अ फॉरेस्ट, उसके रास्ते में एक जंगल पड़ता था। ही हैड नॉट गोन फार व्हेन इट बिगेन टू रेन हैवली, यहाँ बोला गया है बच्चों अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया था कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। ही वॉज स्ट्रेंज टू द स्कीम, He began to curse God for sending rain. वो गॉड को कोसने लगा जोरदार बारिश करने के लिए। फुल स्टॉप डालते हुए बच्चों स्टोरी कंटिन्यू करनी है। इन द मीन टाइम अ रॉबर रश्ड आउट ऑफ द बुशेस, यहाँ बोला गया है कि इस बीच क्या हुआ, कुछ लुटेरे झाड़ियों में से निकले। ही हैड गन इन हिज हैंड, उनके हाथ में बंदूक थी। ही सेड योर लाइफ और योर मनी, उन्होंने उससे कहा तुम्हें जिंदगी चाहिए या तुम्हें मनी चाहिए। द मर्चेंट टुक करेज एंड स्पर्ड हिज हॉर्स, उस व्यापारी ने बड़ी हिम्मत की और अपने पैसे और घोड़े को छोड़ दिया। द गन पाउडर हैड गॉन वे, यहाँ बोला गया है जो रोबर्स के पास गन थी वो गीली हो गई थी बारिश की वजह से। द रेन हैड प्रूव अ ब्लेसिंग फॉर हिम, तो जो बारिश थी उसके लिए काफ़ी ब्लेस प्रूफ हुई। ही थैंक गॉड, उसने भगवान को शुक्रिया अदा करा फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसकी लाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि रोबर जो थे, जो डाकू थे, वो उसको मार सकते थे, लेकिन बारिश की वजह से उनके हाथ में जो बारूद था वो गीला हो गया। बारूद का जो पाउडर था वो सारा भीग गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी भी लिखना था बच्चों, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। डू नॉट क्वेश्चन द वेज ऑफ गॉड, यहाँ बोला गया है कि हमें भगवान के तरीकों पर कोई भी सवाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से स्टोरी होती है बच्चों कंप्लीट।